डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग चल रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 के थ्योरी सेक्शन को पढ़ रहे हैं। अब एक्सरसाइज 6.2 में थ्योरी में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, जरा पिछले दिन का एक समरी के तौर पर रिविजन कर लेते हैं। पीछे हम लोग पढ़े थे कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या, मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में पढ़े थे। और मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। और उसके भी दो और पार्ट्स होते हैं जिसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी कहा जाता है। वहां पे तो हम लोगों ने ग्राफ की सहायता से देखा था कि किसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, किसको डिक्रीजिंग बोलेंगे, किसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पिछले दिन ग्राफ की सहायता से पढ़े थे, ग्राफ की सहायता से देखे थे। चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो टॉपिक्स लिखा गया है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। जी हाँ, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको जानना जरूरी है। और अगर इन चीजों को नहीं जानेंगे तो आप एक्सरसाइज 6.2 में दिए गए क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना होगा, इस कुछ इंपोर्टेंट दिया गया पॉइंट्स को अच्छे ढंग से आपको समझना होगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एनी फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, एनी फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो जीरो से बड़ा हो या फिर बराबर हो। देखिए, मुंह इधर का खुला हुआ है ना, मुंह तो इधर का खुला हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा और बराबर रहे तब हो जाएगा वो इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी कि ये सम इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है ताकि अगर हमें कोई क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आए कि आप प्रूफ करो कि ये इंक्रीजिंग है, या प्रूफ करो कि ये डिक्रीजिंग है, या ये प्रूफ करो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आपको कुछ फॉर्मूला के तौर पे याद रहने चाहिए कि एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा हो या फिर बराबर हो, तभी वो क्या हो पाएगा, इंक्रीजिंग हो पाएगा। उसी तरीके से दूसरा जो इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, एनी फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग तभी हो पाएगा जब एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा हो या फिर बराबर हो। यानी कि जीरो से छोटा या बराबर होने पर वो हो जाता है डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर कोई एनी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ध्यान दीजिएगा, कोई भी फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो यहां पे इक्वल नहीं लिखना होता है। यानी कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा तो सिर्फ ग्रेटर, और इंक्रीजिंग रहेगा तो बराबर देकर और तब ग्रेटर, अगर डिक्रीजिंग होगा तो जीरो से छोटा और बराबर, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया तो बराबर नहीं होता है उसमें। इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा, ये चार सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये चार इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए हैं ताकि आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन याद रखना है कि इंक्रीजिंग कब होता है। अगर कोई पूछ दिया कि इंक्रीजिंग कब होता है तो आप बोलिएगा एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा हो या फिर बराबर हो। डिक्रीजिंग कब होगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा हो या जीरो के बराबर हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में हम लोगों ने पिछला दिन पढ़ा था। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कुछ भी अचानक आ पड़ना, अचानक बढ़ोतरी हो जाना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा। यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इक्वल नहीं लगा रहता है, सिर्फ बड़ा रहता है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब जीरो से छोटा।
इसमें भी बराबर का यूज नहीं होता है। तो ये चार पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए कि किसके हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे, किसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन है, डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन है और इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन है। अब यहां पे तो हमको पता चल रहा है एफ डैस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो ठीक है, लेकिन एफ डैस एक्स का मतलब क्या है? तो हम लोगों ने पिछला चैप्टर में पढ़ा कि किसी भी दिया गया फंक्शन को जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसको dy बाय dx से भी सूचित करते हैं और साथ साथ एफ डैस एक्स से भी सूचित करते हैं। तो यहां जो भी आपको दिख रहा है एफ डैस एक्स ये सभी क्या है? तो ये सभी आपको फर्स्ट बार यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन करने बोल रहे हैं कि दिया गया फंक्शन का वैल्यू आप एक बार डिफरेंशिएशन कराओ, अगर उस डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा आता है तो हम बोल देंगे इंक्रीजिंग, अगर दिया गया कोई फंक्शन एफ एक्स है उसका आप एक बार डिफरेंशिएशन करो, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका वैल्यू जो आता है जीरो से छोटा भी आए या फिर जीरो के बराबर भी आए, समझ पा रहे होंगे, तब वो डिक्रीजिंग कहलाएगा। लेकिन ऐसा कोई फंक्शन जिसका एक बार डिफरेंशिएशन करने से हमेशा जीरो से वैल्यू बड़ा आते जाए, तो जब जीरो से हमेशा बड़ा आए तब हम उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और वैसा कोई एफ एक्स का वैल्यू जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमेशा जीरो से छोटा हो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये चीजें बहुत अहम है कि हम किसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, किसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे, क्या होता है इंक्रीजिंग और क्या होता है डिक्रीजिंग। तो ये चार इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब हो रहा है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या हो रहा है। आप कुछ भी हो हमें तो एक बार डिफरेंशिएशन करना ही करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको आप अपने अंदर से अपने दिमाग से चेक करो कि उसका वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है कि जीरो से छोटा आ रहा है कि जीरो के बराबर भी आ रहा है। अगर ये कंडीशन होगा तो इंक्रीजिंग होगा, अगर ऐसा आए तो डिक्रीजिंग होगा, ऐसा आए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसा आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यानी कि कुल मिलाकर बात यह बोला जा रहा है कि दिया गया फंक्शन को हम चेकआउट कर सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कब? उसको एक बार डिफरेंशिएशन करो और डिफरेंशिएशन के बाद आप खुद मन में सोचो कि उसका वैल्यू क्या हो सकता है, उसका वैल्यू क्या हो सकता है, क्या कभी जीरो आएगा, जीरो आएगा तो वो बराबर के कैटेगरी में हो गया, क्या जीरो से बड़ा होगा कि जीरो से छोटा भी होगा या फिर बराबर नहीं होगा। तो इन चीजों पे हम लोग आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस को करके आपके सामने दिखाते हैं कि आखिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, आपके सामने एक नीचे एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, देख पा रहे होंगे, प्रूव दैट एफ एक्स का वैल्यू इतना इज इंक्रीजिंग, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया, एक्स क्यू प्लस फोर ये दिया हुआ है, हमें क्या प्रूफ करना है, इसको इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर इसे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से सवाल सुनिए, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स क्यू प्लस फोर, इसको क्या प्रूफ करना है, इंक्रीजिंग, क्या प्रूफ करना है इसको, इंक्रीजिंग। सवाल बोल रहा है प्रूफ दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस फोर इज इंक्रीजिंग, यानी कि ये जो है इंक्रीजिंग है। तो भाई मेरे इंक्रीजिंग कब आएगा, तो आप कंडीशन इसीलिए बोल रहे हैं कि याद रखिए इंक्रीजिंग कब आएगा, जब इतना का वैल्यू एक बार डिफरेंशिएशन करके जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू जीरो के बराबर भी आना चाहिए और जीरो से बड़ा भी आना चाहिए, तभी वो इंक्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करना है वो जरा निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आप लिखिए कि हमें एफ एक्स का वैल्यू क्या गिवन है, तो गिवन एफ एक्स का जो वैल्यू है
एक्स क्यू प्लस फोर है। अब जो फंक्शन दिया हुआ रहता है आप उसको क्या करेंगे, तो इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन कराएंगे। क्यों डिफ्रेंसिएशन कराएंगे भाई, क्योंकि इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग, चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो चाहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, उसको प्रूफ करने के लिए हमें एफ डैश एक्स का वैल्यू निकलना चाहिए, और उसको निकालने के बाद ये तय करेंगे कि उसका जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा आ रहा है कि जीरो से छोटा आ रहा है कि जीरो के बराबर आ रहा है कि क्या आ रहा है। इसीलिए किसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को प्रूफ करने के लिए हमें एफ डैश एक्स की आवश्यकता है। तो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो अब आप क्या करिए, यहां से एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालिए। तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या, एक बार डिफरेंशिएशन, तो इसका जरा मन में डिफरेंशिएशन कर लिया जाए, क्योंकि वो अब दिन चला गया कि आप dy बाई dx लिखो, नहीं अब मन में डिफरेंशिएशन करो भाई। x के पावर 3 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर आगे आएगा, पावर को आगे कर लिए। x के पावर 3 है तो एक कम होके बचेगा पावर 2, तो कितना हो जाएगा 3x² और प्लस 4 का डिफरेंशिएशन कितना 0, तो कुल मिला के इसलिए एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया कितना आया 3x². ठीक है। अब यहां पे जरा आपको रुकना है, ठीक है, एफ डैश एक्स का वैल्यू तो निकाल लिया, अब आप ये तय करो कि ये जो 3x² आया एफ डैश एक्स का वैल्यू, ये जीरो से बड़ा आ रहा है कि जीरो से छोटा आ रहा है कि जीरो के बराबर भी आ रहा है, तभी ना तय होगा कि ये किस कैटेगरी में है, और जिस कैटेगरी में रहेगा तभी पता चलेगा कि वो इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि अलग अलग केस के लिए तो अलग अलग कंडीशन है, इंक्रीजिंग के लिए अलग होता है, डिक्रीजिंग के लिए अलग होता है ना। तो चलिए यहां पे जो हम लोग काम करेंगे, अब यहां के बाद से आपको कुछ अपने तरफ से चेक करना होगा, तो यहां पे लिखिए चेक। हम क्या अब करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, क्या अब क्या क्या का मान चेक करेंगे, तो अब अपने से x का वैल्यू कुछ रखना है, यानी कि लिखिएगा एट x बराबर 0। सबसे पहले हम कितना पे चेक कर रहे हैं, x बराबर 0 पे, तो यहां पे लिखेंगे एफ डैश 0, समझ रहे हैं, x की जगह पे 0 रखेंगे तो यहां हो जाएगा 3 × 0² यानी कि 0, देख पा रहे होंगे। अब कुछ और वैल्यू ले लीजिए, एट एक्स बराबर 2 ले लेते हैं, एट एक्स बराबर 2, तो 2 पे कितना आता है, तो एफ डैश 2, एक्स के जगह पे 2 लिखेंगे तो यहां हो जाएगा 3 × 2² तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। ये जो चेक करने के लिए एक्स का वैल्यू लेना है ना, ये अपने तरीके से लेना है, आप चाहें तो यहां पे कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है, हम देखते हैं। 3-4 वैल्यू लेना होता है, एट x बराबर -3, यानी कि अगर आप -3 पे लेते हैं तो क्या बनेगा, एट x बराबर कितना लिए -3, तो यहां बनेगा एफ डैश -3, ठीक है, तो यहां पे x के जगह पे कितना रखना है -3, तो 3 × -3² तो कितना बनेगा, -3² कितना 9, और 9 × 3 = 27। जरा और भी चेक कर लेते हैं, एक और वैल्यू ले लेते हैं, एट x बराबर आप ले लेते हैं -1 कुछ भी ले सकते हैं। देखिए चेक क्यों करा रहे हैं हम लोग, ताकि ये वैल्यू पता चले कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो आ क्या रहा है, जीरो से बड़ा कि जीरो से छोटा कि बराबर, इसलिए अपने से ये चेक करना होता है। एक्स बराबर कितना लिए -1, तो यहां लिखेंगे एफ डैश -1, तो जहां एक्स है वहां पे -1, तो 3 × -1² तो -1² कितना +1, और 1 को 3 से मल्टीपल करेंगे 3। आप देख पा रहे होंगे
कि एक्स का वैल्यू हम जितना भी चेक किए हैं एक में जीरो के बराबर भी आया है, ठीक है, और जीरो बराबर आया है और बाकी सब जो वैल्यू आ रहा है वो सब क्या आ रहा है, जीरो से बड़ा कि जीरो से छोटा। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू में जितना में चेक करा है एक में जीरो भी आया यानी कि जीरो के बराबर भी आ गया, और 12 क्या है तो जीरो से बड़ा है, 27 क्या है ये भी जीरो से बड़ा है, 3 क्या है जीरो से बड़ा है। आप चाहें तो और भी एक्स का वैल्यू ले सकते हैं, उसके लिए जो आएगा हमेशा जीरो से बड़ा आ जाएगा क्योंकि यहां से हम लोगों को दिख रहा है। तो उसके नीचे क्या लिखेगा, हियर मतलब यहां एफ डैश एक्स का जो वैल्यू मिल रहा है, एफ डैश एक्स का वैल्यू जो मिल रहा है जीरो के तो बराबर मिल ही रहा है, जीरो के बराबर मिल रहा है, लेकिन जीरो से क्या मिल रहा है बड़ा भी मिल रहा है। देखिए 12, 27, 3 और कुछ कुछ रखिए, माइनस में भी रख सकते हैं प्लस में जो मन करे आपको, तो पता चलेगा कि जीरो भी आ रहा है और जीरो से बड़ा भी आ रहा है। सो इट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इसलिए जो है ना इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ऐसा रहता है तो किसमें आता है, ऐसा रहता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन में आता है ना, क्योंकि अभी तो हम लोग सम इंपोर्टेंट पॉइंट में सीखे कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा रहे या बराबर रहे उसको हम लोग इंक्रीजिंग बोलते हैं, और इससे छोटा रहे तो डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो यहां पे जो चेक किए हम लोग वहां पे क्या आया, जीरो से बड़ा और बराबर आ गया, इसीलिए हम इसको क्या बोल दिए, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल दिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। तो एग्जाम्पल का ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इस बार क्या बोल रहे हैं सवाल, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 3x plus root 17 इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी सवाल में आप एक बार क्या बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि एफ एक्स का वैल्यू जो 3x plus 17 है ये कैसा है, तो अस्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अस्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा पता है ना, जब एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से खाली बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आना चाहिए वो हमेशा जीरो से बड़ा आना चाहिए, ठीक है, यानी कि छोटा नहीं आना चाहिए और न जीरो के बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं कि क्या होता है वैल्यू। तो यहां पे सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या पता चलेगा, सॉल्यूशन में ये पता चलेगा कि हमें गिवन है, क्या गिवन है भाई, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 17। अब यहां से अगर आप एफ डैश एक्स निकालिएगा, एक बार अगर डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो इसका 3x है तो 3x का क्या बनेगा 3 और 17 का क्या बनेगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन कितना बनता है 0 बनता है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब आप चेक कर लीजिए, कितना भाई चेक कर लीजिए, एट एक्स बराबर 0, 0 पे चेक करते हैं तो यहां पे बन रहा है एफ डैश 0। अब एफ डैश एक्स के जगह पे तो 0 लिख दिए, लेकिन यहां पे कोई एक्स रहेगा तब ना उसके जगह पे 0 रखेंगे, लेकिन यहां पे तो कुछ भी रहे उसका 3 ही लिखना है, क्योंकि 3x रहता तब जाके एक्स के जगह पे 0 पुट करते हैं, लेकिन यहां कुछ भी हो वैल्यू कितना रखना है 3। जैसे एट अगर एक्स बराबर अगर मान लिया -2 रख दिया तो एफ डैश -2 का मान भी कितना आएगा 3,
क्योंकि यहां पे तो एक्स वेक्स है नहीं कि उसके जगह पे आप माइनस दो रखिएगा एट एक्स बराबर थ्री। तो एफ थ्री एफ डैश थ्री का मान कितना थ्री। आप यहां से कुछ भी मान रखो यहां पे हमेशा कितना आएगा तीन तीन आएगा और आप तीन जो है क्या है तो ये जीरो से क्या है बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो आया क्या आया हियर हियर यहां पे जो हमें मिला एफ डैश एक्स का जो वैल्यू मिला एफ डैश एक्स का जो वैल्यू मिला हमेशा तीन 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 आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ जीरो से बड़ा मिल रहा है न कि जीरो के बराबर। जीरो के बराबर कब लिखते हैं जब जीरो भी कभी ना कभी आने का चांस होता या आता तब हम लोग बराबर लिखते हैं लेकिन हर बार कितना आ रहा है तीन। तो तीन हमेशा जीरो से बड़ा होता है बराबर कभी भी जीरो तीन बराबर नहीं होता है इसलिए जीरो से बड़ा होता है। सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव्ड। तो इसी तरीके से हम लोग कोई सा भी फंक्शन को प्रूव कर सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है या फिर क्या है। ठीक है तो इन चीजों को हम लोगों को ऐसे ही प्रूव करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये एग्जाम्पल का थर्ड क्वेश्चन है क्योंकि दो क्वेश्चन हम लोग इसके पहले किए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस बार प्रूफ करना है आपको एफ एक्स का वैल्यू क्या है 8 माइनस एक्स क्यूब। इसको प्रूफ करना है ये कैसा फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। 8 माइनस एक्स क्यूब का जो वैल्यू आएगा इसको प्रूफ करना है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अब इस डिक्रीजिंग फंक्शन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप ये लिखेंगे कि गिवन गिवन एफ एक्स का वैल्यू क्या है तो 8 माइनस एक्स क्यूब। तो यहां से आप एफ डैश एक्स निकालिए 8 का कितना हो गया 0 और माइनस का तो माइनस रहेगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 3x स्क्वायर यही ना। अच्छा इसलिए यहां पे बोलेंगे कि एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा माइनस 3x स्क्वायर बनेगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या आना चाहिए पता है डिक्रीजिंग के लिए ऐसा कुछ आना चाहिए एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा क्योंकि मुंह इधर बंद है और इक्वल भी आना चाहिए तब हम प्रूफ कर पाएंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ऐसा कुछ आएगा तब ना बोलेंगे कि डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो जाएगा तो हम लोगों का प्रूव्ड हो जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो एफ डैश एक्स का वैल्यू इतना जो आया है अब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसको चेकआउट करना पड़ेगा अलग अलग एक्स का मान रखकर और आप इसका वैल्यू निकालिए कि इसका वैल्यू क्या क्या आता है 1 आएगा माइनस 2 आएगा कुछ तो आएगा तभी तो डिसाइड कर पाएंगे हम लोग कि ये 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है या फिर कितना है। ठीक है तो चलिए यहां पे अब हम लोग चेकआउट करते हैं चेक कितना पे तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 हम लोग 0 पे चेक कर रहे हैं। तो जैसे ही 0 पे चेक कर रहे हैं तो यहां बनेगा क्या एफ डैश 0 और जहां जहां एक्स है वहां रखना पड़ेगा 0 तो यहां पे तो एक्स है तो माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर यानी कि 0 0 आ गया। अब जरा रखते हैं एट एक्स बराबर माइनस 2 या फिर माइनस 1 रखते हैं क्योंकि कुछ भी रख सकते हैं हम लोग वैल्यू तो यहां हो जाएगा एफ डैश माइनस 1 माइनस 3 और एक्स के जगह रखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 आएगा। चलिए जरा आगे कर लेते हैं एट एक्स बराबर 2 ले लेते हैं सिर्फ तो 2 लेंगे तो यहां पे बनेगा एफ डैश 2 और जहां एक्स है वहां पे रखना है 2
यानी कि माइनस थ्री इंटू टू के पावर टू। तो टू का पावर टू का वैल्यू फोर और फोर थ्री जा ट्वेल्व यानी कि माइनस में बारह। एक और चेक कर लेते हैं, एट एक्स बराबर माइनस थ्री, कुछ से भी चेक कर सकते हैं, ऐसा है नहीं कि मतलब इतना ही पे चेक कर रहे हैं हमेशा। आपको चार लेना है, पांच लेना है, एक लाख पे भी चेक कर सकते हो, लेकिन उतना बड़ा वैल्यू हम क्यों लेंगे कि फिर हम उसका सॉल्यूशन करने में भी हमें प्रॉब्लम हो, है ना। तो इसलिए सोच समझ कर ही लेना है। माइनस थ्री लेंगे तो यहां लिखेंगे एफ डैश माइनस थ्री, तो जहां एक्स है वहां पे माइनस थ्री ले रहे हैं, तो यहां पे देखिए माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर, तो माइनस थ्री का स्क्वायर कितना नाइन, और नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, तो माइनस में हो जाएगा ट्वेंटी सेवन। अब आप इन चीजों पर गौर कीजिए जो हम लोगों ने चेक किया है अभी अभी, हम लोग जो ने जो चेक किया है जरा इसको अच्छे से देखिए कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू आप ध्यान से जरा देखेंगे तो एक बार जीरो भी आ चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स का वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो आएगा, जीरो है। और उसके बाद बाकी वैल्यू देखिए तो सब किस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है, और माइनस वैल्यू हमेशा जीरो से क्या होता है, छोटा होता है, हमेशा जीरो से छोटा होता है। तो यहां पे माइनस थ्री है, माइनस बारह है, माइनस सत्ताईस है, तो ये सभी वैल्यू क्या होंगे, ये सभी जो वैल्यू होंगी वो हमेशा जीरो से छोटा होंगी। जीरो से छोटा होंगी मतलब कि माइनस में तीन है, माइनस में बारह है, माइनस सत्ताईस है। और आपको अगर विश्वास नहीं है, आपको ये लगता होगा कि कुछ एक्स का वैल्यू ऐसा है जिस पर ये जीरो से बड़ा भी हो जाएगा, तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है। आप ऐसा कितना बार भी चेक कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। एक्स बराबर एक लाख भी रख सकते हैं, एक करोड़ भी रख सकते हैं, हमेशा इधर जो आएगा वैल्यू किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपको देखकर ये पता लग रहा है कि यहाँ पे जो एफ एक्स एफ डैश एक्स का वैल्यू आ रहा है, एफ डैश एक्स का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है जरा देखिए, जीरो भी आ रहा है और उससे छोटा आ रहा है। तो यहां पे लिखिएगा हियर एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो क्या क्या आ रहा है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर आ रहा है और जीरो से छोटा आ रहा है, मतलब कि ऐसे, यानी कि ये दिखा रहा है कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा है और बराबर भी है। इसीलिए हम बोलेंगे सो इट इज, अगर ऐसा आता है तो हम उसको सिर्फ डिक्रीजिंग बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अगर यहां पे इक्वल नहीं होता तब उसका नाम हो जाता स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग फंडे हैं, आप इन चीजों को अच्छे से ध्यान से आपको याद कर लेना चाहिए कि आखिर इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है। चारों के लिए अलग अलग फार्मूला है। अक्सर हमें इस एक्सरसाइज में 6.2 में प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि कोई फंक्शन दे दिया रहेगा सवाल में और आपको बोलेगा कि आप इन सवालों को प्रूफ करो कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर कोई और भी क्वेश्चन कह सकता है, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को अच्छे तरीके से अच्छे से सोच समझकर आपको ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और थ्योरी सीखते हैं। चलिए तो आगे हम लोग कुछ सीखते हैं और ये टॉपिक्स बनाइएगा, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज, क्या है रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज, इसको हम लोग इंटरवल भी बोलते हैं। अब ये एक नया चीज होगा उनके लिए जो इलेवेंथ क्लास में इनइक्वालिटीज को नहीं पढ़े होंगे, यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इलेवेंथ क्लास में, एक चूंकि चैप्टर ही है इनइक्वालिटीज पर, ठीक है, अगर आप बेहतर नॉलेज चाहते हैं तो इलेवेंथ का इनइक्वालिटीज जो चैप्टर है उसको आप अच्छे तरीके से
पढ़े हुए होना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं भी पढ़े हुए हैं, हम आपको उतना जरूर चीजें बता देंगे जिससे 12th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। ये कहां मिला था हम लोग का, तो 11th क्लास में एक चैप्टर है इनइक्वालिटीज का, जिसको हम लोग इंटरवल भी कहते हैं। जैसे हम लोग छोटे क्लास में 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास में हम लोगों का अक्सर ये साइन पूछता है कि आप जो है ना इनका प्रयोग कीजिए, जानते हैं ना, इनका प्रयोग कीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि यही साइन को हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटीज, इसको बोलते हैं इक्वल माने बराबर, और ये दोनों को बोलते हैं इनइक्वालिटी जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इन प्लस इक्वल, तो इन और इक्वल मिलकर क्या होता है, इनइक्वल होता है, और इसी को पूरा नाम दे दिया गया इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब इस ये दोनों साइन को बोलते क्या है, इनइक्वालिटीज, और इसको बोलते हैं इक्वल। तो इसमें इनइक्वालिटीज साइन का जो रूल नियम है उसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो ये सभी रूल्स नियम 11th क्लास का ही है, ठीक है। हालांकि 12th क्लास का एक्सरसाइज 6.2 में इसका बहुत बढ़िया उपयोग है, इसका यूज है, उसका रूल्स का, उसका फार्मूला का, तो इसलिए हम उन चीजों को यहां पे बता रहे हैं। चलिए तो सीखते हैं कि रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज क्या है। अब अगर बात किया जाए कि इनइक्वालिटीज को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं इंटरवल, क्या बोलते हैं इसको, इंटरवल बोला जाता है। अब इस इनइक्वालिटीज और इंटरवल का मतलब क्या है और उससे हम लोग क्या समझना चाहिए, तो इन चीजों पर हम लोग विचार करेंगे। अगर सवाल में x का वैल्यू तरफ बड़ा दे दे और यहां पे कोई a है, a का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, 2 रहे 4 रहे 5 रहे 8 रहे, अगर ऐसा साइन दिया रहेगा तो हम लोग इससे ये चीज लिख सकते हैं a से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर x का वैल्यू छोटा हो किसी a से, तब हम उसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से a। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई x रहे, x का मतलब अननोन वैल्यू, उसके बारे में पता नहीं है, अगर x के तरफ बड़ा हो और कोई नंबर, a क्या है, कोई नंबर है, उसके तरफ छोटा रहे, तो हम लोगों को ऐसा लिखना है, ये आपको याद होना चाहिए, याद कर लेना है, ताकि 6.2 एक्सरसाइज में इन सभी का यूज है और बहुत बढ़िया यूज है, इसलिए हम अभी बोल रहे हैं आपको तुरंत याद कर लेना चाहिए, ताकि अगले क्लास में जब हम लोग क्वेश्चंस करें तो वहां पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। हालांकि हम तो ऐसे हैं कि जो भी क्वेश्चन में जो फार्मूला का यूज होता है हम उसको तुरंत याद दिलाते हैं, वो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होगा ही जब याद नहीं कीजिएगा। अब जरा इसका मतलब समझते हैं, हम क्या बोले, एक्स या रहे, वाई रहे, जेड रहे, हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एक्स का मतलब अननोन वैल्यू, अननोन का वैल्यू मतलब हमें पता नहीं है, अगर वो वैल्यू तरफ बड़ा रहे और कोई नंबर रहे, जैसे इसका एग्जांपल इधर समझते हैं, जैसे मान लिया कि x का x रहेगा और ये बड़ा है 4 से, अगर ऐसा आता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a का a लिखना है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं 4 इन्फिनिटी और दोनों तरफ ब्रैकेट, ठीक है। कब लिखना है, जब x के तरफ बड़ा मुंह यानी कि बड़ा रहेगा तब, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा सवाल देखिए, y है, बड़ा है -3, देखिए
अब एक्स रहे वाई रहे उससे मतलब नहीं है, उधर तो बड़ा चिन्ह है ना, किससे बड़ा है, माइनस थ्री, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस थ्री और इन्फिनिटी, इसी से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि इसको से ऐसा लिखने में एक्स का कोई जिक्र नहीं करना है, वाई तरफ बड़ा है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे। अच्छा एक और हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, अगर मान लिया कि ये सवाल ऐसे रहता, आठ रहता और ऐसे रहता, तो बात तो वही है ना भाई, हम क्या बोले कि एक्स के तरफ मुंह बड़ा होना चाहिए, जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा और जिधर मुंह बंद रहता है उधर छोटा। तो अगर आपको ऐसे ही याद करना चाहिए कि एक्स का वैल्यू तरफ अगर बड़ा रहे तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ए लिखना है, ए माने कोई नंबर, ए माने कोई नंबर, नंबर यहां क्या है, आठ से लेकर इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें आपको याद रहना चाहिए कि अगर एक्स के तरफ बड़ा रहे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। दूसरा क्या रूल है कि अगर एक्स के तरफ छोटा रहे, एक्स के तरफ छोटा रहे तब हम लोग लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए और दोनों तरफ ब्रैकेट। जरा इसका भी एग्जांपल दिखाते हैं कि ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इसका एग्जांपल ये बोल रहा है, पहला तो समझ में आ गया। दूसरा अगर कोई अननोन वैल्यू रहे, एक्स रहे वाई रहे कुछ भी रहे, ठीक है कुछ भी रहे, अगर वो छोटा रहे कोई नंबर से, जैसे हम लोग देख लेते हैं अगर यहां वाई है ये छोटा है, वाई एक्स के तरफ मुंह बंद है तो मुंह बंद छोटा होता है, वाई अगर छोटा है माइनस आठ से, तब हम इसको कैसे इस रूप में लिखेंगे, यानी कि कुल मिलाकर हम यहां पे ये बता रहे हैं दोस्तों कि अगर इनक्वालिटीज इनक्वालिटीज इस तरीके का रहेगा तो हम लोग ऐसा जो है चेंज कर सकते हैं, ऐसा चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो अगर छोटा रहता है एक्स या वाई तो माइनस इन्फिनिटी पहले लिखना है, तब ए का मान लिखना है यानी कि माइनस आठ, दिख रहे हैं। अगर मान लिया कि यहां एक्स रहता छोटा रहता दस से, तब इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, इसको चेंज कैसे करना है, तो अगर एक्स या वाई के तरफ छोटा रहता है तो सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी लिखा जाता है और तब 10 लिखा जाता है, समझ में आ रहा है। या फिर एक और एग्जांपल दिखाते हैं, देखिए हमेशा गड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपको अगर अच्छे से याद रहेगा क्वेश्चंस या रूल्स तो आप कभी भी गड़बड़ाइएगा नहीं। जैसे अगर मान लिया रहेगा कि यहां पे 4 है और ऐसे है x, तो अभी भी तो बात वही है ना भाई, एक्स के तरफ देखिए कि एक्स बड़ा है कि छोटा है, तो एक्स के तरफ तो मुंह बंद है तो एक्स छोटा हो गया ना यहाँ पे, तो एक्स जब छोटा होता है तो माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं, तो इस या फिर आपको अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसी को दोबारा पलट दीजिए, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे भाई इसको पलट दीजिए ना उधर, यानी कि एक्स अभी भी छोटा है और चार बड़ा है, एक्स अभी भी छोटा है और चार बड़ा है, तब आप इसलिए लिख दीजिए माइनस इन्फिनिटी से चार। यानी अगर आपको कोई चीजें प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सॉल्यूशन आप खुद करने के लिए रेडी हो जाओ, यानी कि अगर ऐसे सवाल दिया रहेगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ बात दोनों बात सेम हुआ, यहां पे भी चार बड़ा है चार के तरफ मुंह खुला हुआ है, यहां पे भी चार के तरफ मुंह खुला हुआ है, यहां पे भी छोटा एक्स है यहां पे भी छोटा एक्स है, तो आप इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब ऐसा है तो ये तो फार्मूला पे आ गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये इनक्वालिटी का रूल है कि अगर आप ऐसे रहेगा तो आप इन चीजों को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा ऐसा रहेगा कि बीच में एक्स या वाई रहे चाहे जेड रहे, ठीक है, बीच में एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, वो एक तरफ ए है और एक तरफ बी है, एक तरफ ए है और एक तरफ बी है, तो बाएं साइड में ए लिखना है और दाहिने साइड में बी लिखना है। जैसे मान लिया
कि अगर ऐसा रहेगा 2x4 तब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसी को हम लोग ब्रैकेट में 2.4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को अच्छे से आपको याद रहना चाहिए कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ रहे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। जैसे 2x4 रहेगा तो इसको 2.4 हम लोग लिख सकते हैं। अगर मान लिया ऐसे ही रहेगा -8x चाहे y, इससे मतलब नहीं रखना है। अगर 15 रहे तब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो यहां x रहे y रहे हमें मतलब नहीं है, कहां से कहां तक है, तो -8 से लेकर 15, तो इसको -8 और 15 और दोनों तरफ ब्रैकेट, इस तरीके से हम लोग उसको लिखेंगे। यानी यहाँ पे रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज में हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अगले चौथा नंबर की बात करते हैं, आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, देखकर हम लोग चौथा को समझते हैं कि चौथा रूल्स क्या बोल रहा है। और चौथा बहुत बढ़िया रूल्स है। चौथा रूल्स क्या बोल रहे हैं कि अगर a का वैल्यू b से बड़ा रहेगा या किधर भी बड़ा छोटा रहेगा, अगर हम उससे उसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं माइनस से, तब उसका इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो पलट जाता है, इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाता है। यानी कि बात अच्छा से समझिए, हमें कोई भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, सवाल में कोई भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, या आप मल्टीप्लाई कीजिए या फिर आप डिवाइड कीजिए किससे, माइनस से, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, उलट जाता है। ठीक है, जरा देखते हैं कि कैसे बदलता है। एग्जांपल में अगर हम बोले कि 8 और 15 में कौन बड़ा है, आप क्या बोलिएगा कि सर 15 बड़ा है 8 छोटा है, तो ऐसे लिखेंगे ना। लेकिन कभी कभी आपको ये जरूरत पड़ जाए कि दोनों तरफ, जैसे कि हम लोग बराबर वाले साइड में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ 2-2 से, या फिर दोनों तरफ कुछ डिवाइड करते हैं, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। उसी तरीके से इनइक्वालिटीज में भी दोनों तरफ सेम नंबर से गुना कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम नंबर से भाग कर सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि इक्वल वाला में समीकरण में करते हैं कि दोनों तरफ जोड़ने पर, या दोनों तरफ 5 को घटाने पर, या दोनों तरफ इतना नंबर से 4 से या 8 से गुना करने पर, या दोनों नंबर में 10 से भाग करने पर, बराबर के दोनों साइड ऐसा करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इनइक्वालिटीज में भी दोनों तरफ गुना या भागा कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो उसका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो पलट जाता है। जैसे हम बोले कि 8 और 15 में कौन बड़ा, आप बोले 15 बड़ा, अगर इसमें एक कंडीशन लगा दे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड, हम क्या कर रहे हैं, तो दोनों तरफ -1 से गुना कर रहे हैं, तो -1 से अगर गुना करेंगे तो इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा -8, यानी इधर होगा -8, और दूसरे तरफ अगर बात किया जाए तो इधर होगा -15, यानी इधर हो गया -8 और इधर हो गया -15। लेकिन फिर क्या बोला कि जिस तरह का इधर साइन है, आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उसका साइन जो है पलट जाता है। और ये सभी सारी चीजें हम लोगों को 11th की है, ये नई चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे सवाल में इधर था ना इनइक्वालिटीज का साइन, अब हम लोग साइन बदल देते हैं, यानी कि ऐसे लिखना होगा। ठीक है, जरा एक और एग्जाम्पल देते हैं ताकि और हम लोगों को क्लियर से समझ में आ जाए। अगर मान लिया कि अगर हम पूछे 10 और -6 में कौन बड़ा है,
10 और -6 में कौन बड़ा है? तो आप बोलेंगे कि सर 10 बड़ा है और -6 छोटा है, 10 बड़ा है और -6 छोटा है। लेकिन चूंकि हम लोग मैथ्स बना रहे हैं तो हम लोगों की कभी भी जरूरत पड़ सकती है गुना और भाग करने का। तो इस बार हम क्या किए, हमको ऐसा कभी जरूरत पड़ गया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ऐसा कुछ करना पड़ गया कि दोनों तरफ भाग करने का मन कर रहा है। यानी कि अब देखिए, अब अपने मन से कुछ करना नहीं है, जैसा कि मतलब अगर सवाल दिया हुआ है तो उसको सिचुएशन को देखकर अपने आप को करना है कि गुणा करे या फिर भाग करे। ठीक है, तो यहां पे आपको देखना है, अगर मान लिया जाए कि अपने मन में चल रहा है कि इसको डिवाइड किया जाए, तो डिवाइडेड बाई -2 बोथ साइड, यानी कि इधर भी -2 से डिवाइड किए, यानी कि 10/-2, इधर भी -6 को -2 से डिवाइड किए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाय -2 से, यानी कि -2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो साइन है वो पलट जाता है। इसीलिए रूल में हम लोग सीखे कि कोई भी अगर बड़ा छोटा है उसमें अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं कोई भी माइनस वैल्यू से, माइनस वाले नंबर से, तो उसका साइन जो है पलट जाता है। पहले ऐसा था तो अब कैसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, तो 10 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, देख लीजिए क्या बनेगा, तो 2 × 5 = 10, यानी कि -5, और ये छोटा हो जाएगा ऐसे, माइनस और माइनस कट जाएगा तो 3, यानी कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो अभी तक के हम लोग कितना रूल तक पढ़े, 4। अभी रूल ऑफ इनइक्वालिटीज जो है ना, 4 ही रूल नहीं है, अभी और रूल है, चलिए उन रूल्स को देखते हैं। चलिए तो हम लोग अब 5वां रूल्स के तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 4 रूल्स तो अभी हम लोग सीखे रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज में, अब और 4 रूल्स हैं जिन्हें सीखना बहुत जरूरी है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। देखिए टोटल रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज हम लोग 8 सीखेंगे। अब ये 8 गो टोटल रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज है। अब ये 8 रूल्स में से आपको शुरू का 4 हल्का है और बाद का 4 थोड़ा सा भारी है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। तो चलिए 5वां क्या रूल्स बोल रहे हैं, कि अगर मान लिया x - a, x - b 0 से बड़ा है, जहां a का वैल्यू b से छोटा है, तब हम लोग इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि अगर कुछ ऐसा कंडीशन है, x - a है, x - b है, जहां a जो है b से छोटा है, मतलब कि ऐसा x - 4 और x - 6। देखिए माइनस तो सवाल में है, a का वैल्यू छोटा होना चाहिए, b का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तो 4 छोटा है और b बड़ा है, और इसका साइन ऐसा रहना चाहिए। अगर ऐसा कहीं भी मिल गया तब हम लोग इसको किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो इसको जो है हम लोग ऐसा तोड़ सकते हैं, यानी कि ये अगर ऐसा सवाल रहता है तो दो फॉर्म में टूटता है, x छोटा a से यानी कि x छोटा 4 से एंड x बड़ा b से, यानी कि x बड़ा 6 से। यानी कि अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए कि x - 4, x - 6 का वैल्यू 0 से बड़ा हो, मल्टीप्लाई में रहे और फिर 0 से बड़ा हो, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे a छोटा होना चाहिए, b बड़ा होना चाहिए, यानी कि a छोटा b बड़ा, 4 छोटा है 6 बड़ा है, तो इसलिए इसको दो पार्ट में तोड़ा जाता है। यानी कि इससे आपको ये चीज याद रखना चाहिए, रूल होता है कि अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो ऐसा हम लिख सकते हैं, और जब ऐसा लिख सकते हैं तो इसी को और करके लिख सकते हैं कि जब x छोटा होता है तो इसको लिखते हैं -∞ से 4। ये वाला तो अभी रूल नंबर 2 में सीखे कि अगर x छोटा होता है तो ऐसा लिखते हैं, एंड अगर x बड़ा होता है तो पहले a को लिखते हैं, तो यहाँ 6 और बाद में इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा,
दूसरा छठा सवाल को देखिए, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, लेकिन यहां पे बराबर लग जाता है। अगर यहां पे बराबर लग जाए तो यहां पे भी बराबर लग जाएगा, यहां पे भी बराबर लग जाएगा, लेकिन जहां कहीं भी बराबर लग जाता है तो उसको इस तरीके से सूचित करने के लिए यहां पे छोटा ब्रैकेट देते हैं तो यहां पे बड़ा ब्रैकेट लग जाता है। जैसे मान लिया, देखिए सब कुछ वही है, पांचवा और छठा सब कुछ वही है, सिर्फ यहां पे फर्क क्या है, यहां पे सिर्फ बड़ा है और यहां पे क्या है, बड़ा और बराबर दोनों है। तो अगर यहां पे बड़ा रहेगा तो सिर्फ आपको बड़ा और छोटा साइन देना है, अगर बराबर रहेगा तो बराबर बराबर सटा देना है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर ऐसा रूप में लिखना चाहते हैं तो यहां पे छोटा ब्रैकेट, लेकिन जहां पे बराबर हो वहां बी के तरफ सिर्फ बड़ा, ए के तरफ सिर्फ बड़ा ब्रैकेट देते हैं और बाकी दोनों तरफ छोटा देते हैं, यानी ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। जरा इसी क्वेश्चन में हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लिया सवाल यही था, x माइनस चार, एक्स माइनस छ और यहाँ पे इक्वल रहता जीरो के और बड़ा रहता, यानी कि इस केस पे आ गया। कौन सा केस? छठा नंबर रूल। तो छठा नंबर रूल पे जो आ रहा है, क्या हम इसको लिख सकते हैं, x छोटा a से, यानी इससे हम x छोटा a और साथ साथ बराबर a नहीं मतलब फोर, एंड एंड x बड़ा छ से, तो यहां लिख दीजिए x बड़ा छ, यानी इस ये वाला जो है रूल नंबर छ पे टूट रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे इक्वल दिया हुआ है, यहां पे इक्वल दिया, यहां पे इक्वल नहीं था। तो इस हिसाब से आप देख पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको हम लोग दो टाइप्स में तोड़ते हैं, ऐसे ऐसे। अब इसको जब लिखना होगा तो a से लेकर फोर तक, यानी कि एक कितना है ये फोर, तो माइनस इन्फिनिटी और फोर लिखेंगे तो चार तरफ बड़ा ब्रैकेट इधर। क्यों यहां पे बड़ा ब्रैकेट दिए? क्योंकि यहां पे बराबर था, तो जब भी बराबर रहता है तो ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट देते हैं, किसके तरफ, तो नंबर के तरफ, संख्या के तरफ, अंक के तरफ बड़ा ब्रैकेट देते हैं, और जिधर माइनस इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी है, उधर छोटा ही ब्रैकेट रहता है। उसी तरीके से इसको कैसे लिखते हैं, जब x 6 से बड़ा है तो इसको लिखते हैं 6 से इन्फिनिटी, इधर देंगे छोटा ब्रैकेट, इधर देंगे बड़ा ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि बराबर है। तो ये पांचवा और छठा रूल्स इस तरीके से बोला जा रहा था। अब सातवां रूल्स देखते हैं कि सातवां रूल्स क्या है। सातवां रूल्स लिखेंगे, ये दो रूल्स है और सभी रूल्स को आपको याद करना चाहिए कि किस किस कंडीशन में कैसा कैसा रूल्स लग रहा होता है, क्योंकि हम लोग जब अगले एक्सरसाइज यानी कि 6.2 अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे तो इन चीजों का बहुत यूज होगा कि हम कैसे कर पाते हैं इन चीजों को, तो इन सभी रूल्स का यूज है। चलिए अब सातवां लिखते हैं। तो सातवां रूल्स लिख लीजिए कुछ इस तरीके से कि अगर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी छोटा है, यानी कि x माइनस ए, एक्स माइनस बी अगर छोटा हो जीरो से, कब, ये तो हमेशा a छोटा b रहता है, इसको लेकर ज्यादा टेंशन नहीं है, यहां पे साइन देखना है। अब की बार सातवां क्या बोला, x माइनस ए, एक्स माइनस बी जब जीरो से छोटा होता है तब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं a x b, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं ए से बी, ठीक है। और आठवां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सब कुछ यही रहे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी यहां पे बराबर रहे, ऐसा रहे, और ए तो वैसा ही रहता ही रहता है, ये छोटा रहेगा बी बड़ा रहेगा, ये पक्की बात है। अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग इस पे यानी कि सातवां और आठवां दोनों एक जैसा है, बस सब कुछ ऐसे ही लिखेंगे, यहां इक्वल सटा देंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वल है इस तरीके से। और यहां पे और करके अगर ऐसा तरीके में लिखें तो ए के तरफ भी हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट और बी के तरफ भी हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट, यानी कि हमको ये याद कर लेना बहुत जरूरी है
क्या जरूरी है कि अगर ऐसा x माइनस ए एक्स माइनस बी जीरो से छोटा होगा लेस देन जीरो होगा तो उसको ए एक्स बी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी जीरो से छोटा और बराबर हो, यहां पे सिर्फ छोटा है, यहां पे छोटा बराबर दोनों है, तो हम क्या लिख सकते हैं ए एक्स बी, लेकिन इक्वल सटा देना है। अब जब इक्वल आ गया तो यही सेम चीज लिखेंगे, नंबर के तरफ बड़ा ब्रैकेट दिया जाता है, तो ए भी नंबर है और बी भी नंबर है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट दे देंगे। चलिए अब इसका भी कुछ हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल से चीजों को समझ लेते हैं कि कैसे बोला जा रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर मान लिया कि क्वेश्चन ऐसा है, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव जीरो से छोटा है, ऐसा सवाल है, तब हम इसको कैसे तोड़ेंगे। इसको तोड़ने का जो तरीका है ये कौन सा रूल पे है, तो रूल नंबर सेवन पे, क्योंकि छोटा है, सिर्फ छोटा है, तो यहां पे हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, पहले जो छोटा रहेगा उसको लिखना, तो छोटा कौन है तीन, फिर ये वाला साइन देना है, फिर x, फिर बड़ा वाला पांच। अब इसी से हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं कि जब ऐसा रहता है बीच में x रहता है तो इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, तो ये तो रूल नंबर तीसरा में हम लोग पढ़े थे ऐसा कि रूल नंबर थ्री में बोलता है कि ए एक्स बी रहे तो इसको हम लोग लिखते हैं तीन और कॉमा पांच और दोनों तरफ ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, याद रखिएगा बड़ा ब्रैकेट कब देते हैं, जब इक्वल का साइन रहता है तब। तो इस तरीके से हम लोग इसका करेंगे। अगर मान लिया यही सवाल में यहां पर इक्वल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं था, जब यहां पे छोटा रहे और इक्वल रहे तो यहां यहां पे भी इक्वल दे देंगे, लेकिन अब जो यहां पे इक्वल दे दिए तो यहां हो जाएगा थ्री फाइव, यहां पे बड़ा ब्रैकेट और यहां पे भी बड़ा ब्रैकेट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर यहां पे बराबर हो जाता है तो ये कौन सा रूल पे आ जाता है, रूल नंबर एट पे, यानी कि आज जो हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं उसमें से आपको दो चीज याद रखना होगा, एक तो इनक्वालिटी का रूल और दूसरा कि इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन है, एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा कि जीरो से छोटा, या फिर इक्वल क्या होना चाहिए, यानी कि उससे ज्यादा तो आपको टफ लग रहा होगा रूल्स इनक्वालिटीज के, क्योंकि ये लोगों से याद जल्दी होता नहीं है, लेकिन अगर आप ठानेंगे कि हमको याद कर ही लेना है तो कोई चीज हार्ड ज्यादा होता नहीं है, आप इन चीजों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इन चीजों को अगर याद कर पाएंगे आप तभी एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन है वो आप समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि डायरेक्ट सवाल में क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा और इससे डायरेक्ट ये लिखा हुआ रहेगा तो ये भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमको कैसे याद रखना होगा कि x माइनस ए एक्स माइनस बी जीरो से छोटा और बराबर हुआ तो a छोटा बराबर x छोटा बराबर b, और इससे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान में रखना होगा इन चीजों को। तो मुझे उम्मीद है कि जितना भी 6.2 के थ्योरी में हम लोगों ने रूल्स पढ़ा, फार्मूला पढ़ा, एक तरीके से फार्मूला ही है, उन चीजों को आप अच्छा से याद कर लेंगे और फिर हम लोगों को 6.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब भी अगले क्लास होंगी, अगले दिन होगी, हम लोग 6.2 के टोटल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अब जरा देख लेते हैं कि 6.2 में टोटल क्वेश्चंस कितना है और वो लगभग कितने दिनों में हम लोगों का खत्म हो जाएगा। हालांकि अगर बात किया जाए तो 6.1 कितने दिनों में खत्म हुआ होगा, लगभग दो दिन 6.1। तो उसी तरीके से 6.2 देख लेते हैं कि कितना क्वेश्चन है इसमें। तो जी हाँ, देख पा रहे होंगे 6.2 में जो क्वेश्चन है वो 19 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर 19 क्वेश्चन है तो अगर हम लोग 9-9 में डिवाइड कर दें, यानी कि 9 क्वेश्चन एक दिन में और 9 क्वेश्चन दूसरे दिन में, 9 × 2 = 18, यानी कि इसमें भी लगभग दो क्लास लगेगा, 6.2 खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर खत्म तो हो जाएगा, खत्म होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको कितना समझ में आ रहा है ये सबसे बड़ी बात है, और ये सबसे बड़ी बात तो है ही, लेकिन ये चीजें तभी हो पाएगा जब आप इन रूल्स को, इन
फार्मूला को याद रखेंगे, क्योंकि जब हम लोग अगले दिन आएंगे तो तब पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।